गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल वेल फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम. ओके स्टूडेंट, सो यस्टरडे वी हैव इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज बुक, इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव स्टार्ट लेसन टू वी हैव स्टार्ट वर्ड्स. लेसन टू इज वर्ड्स एंड वी हैव कंप्लीट द पेज नंबर 10 एक्सरसाइज ए एंड ऑन पेज नंबर 11 एक्सरसाइज बी. सो टुडे वी हैव टू डू द एक्सरसाइज नंबर सी इन आवर बुक. ओके स्टूडेंट्स, द लेसन ऑफ द नेम इज वर्ड्स. सो एक्सरसाइज सी इज अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ कलर्स. अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो मिक्सअप है, उन्हें अनस्क्रैम्बल करना है, उन्हें प्रॉपरली प्रॉपर वे में राइट करना है. राइट द नेम्स ऑफ कलर्स, और ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं जो प्रॉपर वे में नहीं है, ये कलर्स के नेम है. आपको इनको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है वर्ड्स को, ये कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, और उनका नेम यहाँ पे राइट करना है. और जो वर्ड आप राइट करेंगे वो होंगे कलर्स नेम, रंगों के नाम होंगे वो. लाइक फर्स्ट वन इज ई यू एल बी. अब आपको यहाँ पे राइट करना है कलर्स का, कलर का नेम. सो ये कलर है बी एल यू ई, ब्लू. सेकेंड इज डी ई आर. ओके स्टूडेंट्स, डी ई आर. अब ये तो कोई वर्ड्स है नहीं, ऐसा कोई कलर का नेम तो होता नहीं है, आपको इसको प्रॉपर वे में राइट करना है. तो आप थिंक करिए कि ये कौन सा वर्ड, कौन सा कलर का नेम बन सकता है. आर ई डी, रेड. विच कलर? रेड. हियर इज के एन आई पी. अब यहां पे भी आपको एक कोई कलर का नेम राइट करना है जो इससे, इन वर्ड्स से प्रॉपर वे में राइट करने पे बन सकता है. क्या बनेगा? पिंक. पी आई एन के, पिंक. हेयर इज सी के एल ए बी. अब यहां पे भी कोई एक न्यू कलर का नेम राइट होगा जो कि इन वर्ड्स से बनेगा. ये मिक्सअप वर्ड्स हैं, रॉन्ग वे में लिखा है, इसको राइट वे में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा. सो यू हैव टू राइट हियर बी एल ए सी के, ब्लैक. कौन से कलर का नेम आया? ब्लैक. इसी तरह से आपको नेक्स्ट आगे के भी 5, 6, 7, 8 नंबर तक आपको कंप्लीट करना बुक्स में. स्टूडेंट्स, राइट हियर द डेट. टुडेज डेट इज 19th. यू हैव टू राइट हियर 19th मे एंड द डे इज ट्यूजडे. ओके स्टूडेंट्स, देन कम ऑन आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. Add one of these letters in the following them. Write the again in alphabetical order. आपको यहाँ पे कुछ pictures दिख रहे होंगे. One second. Okay. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनके नेम आपको राइट करना है. कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और सम लेटर्स आर मिसिंग. सम लेटर्स आर रिटन हियर एंड सम लेटर इज मिसिंग. सो यू हैव टू फिल दैट लेटर्स फ्रॉम द गिवन हियर. यहाँ पे जो लेटर्स दिया है ए बी सी डी ई एफ, आपको इसमें राइट करना है. जो लेटर जहाँ पे सूटेबल होगा, परफेक्ट बनेगा, वहाँ पे आपको वो लेटर लिखना है. और लिखने के बाद आपको, राइट करने के बाद, आफ्टर राइटिंग यू हैव टू अरेंज हियर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मैंने आपको लेसन फर्स्ट में बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस वे में होता है. D
लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये वर्ड्स आपके बुक में दिए गए हैं हेल्प के लिए, किस लिए? हेल्प के लिए। और वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं लाइक ओ वाई ए टी एक्स ई डबल ई आर डबल जी आई जी। ओके सिक्स वर्ड्स दिए हैं जिसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। जो लेटर मिसिंग हैं आपको उसको राइट करना है यहाँ पे, लाइक ओ वाई है इसमें राइट होगा बी बी ओ वाई बॉय, यहाँ पे फिगर भी दिया है आपके हेल्प के लिए। द नेक्स्ट फिगर इज कैट, सो यू हैव टू राइट हियर सी सी ए टी कैट। देन नेक्स्ट फिगर इज एक्स, यू हैव टू राइट हियर ए। द नेक्स्ट फिगर इज डियर, यू राइट हियर डी। एंड द नेक्स्ट इज एग ई डबल जी एग। एंड आफ्टर दैट लास्ट फिगर इज फ्रूट नेम, द नेम ऑफ दिस फ्रूट इज फिग एफ एफ आई जी फिग। अब आपने इसको फिल कर लिया यहाँ पे बुक में, यहाँ आपको फिल करना है। फिल करने के बाद साइड में आपको ब्लैंक दिया है इस तरह से, इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको सेट करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस आपको सबसे फर्स्ट लेटर, अल्फाबेट में क्या आता है? फर्स्ट लेटर ए होता है। ए से जो भी वर्ड यहाँ पे आपने लिखा है, जो वर्ड्स भी ए से जो वर्ड है क्या है वो एक्स, उसको सबसे फर्स्ट पे सबसे फर्स्ट नंबर पे राइट करेंगे एक्स। देन आफ्टर ए इन अल्फाबेट कम बी, यहाँ पे बी से कौन सा वर्ड है? बी से कोई वर्ड स्टार्ट है? यस बी ओ वाई बॉय। देन आफ्टर दैट टू नंबर बिकम ऑन थ्री इन अल्फाबेट। थर्ड लेटर इज सी, एंड विच वर्ड इज फ्रॉम सी? सी ए टी कैट। ओके स्टूडेंट, सी ए टी कैट। देन आफ्टर दैट द फोर्थ लेटर इन अल्फाबेट इज डी, द वर्ड फ्रॉम डी इज डियर डी डबल ई आर डियर। आफ्टर दैट फिफ्थ लेटर इन अल्फाबेट इज ई, एंड द वर्ड फ्रॉम ई लेटर इज एग ई डबल जी एग। एंड लास्ट इज फिग एफ आई जी फिग। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको दोनों एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना है, एक्सरसाइज सी। ओके एक्सरसाइज सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल इन योर बुक। एंड आफ्टर दैट ऑन वेनसडे आई विल टेल यू दैट हाउ यू हैव टू राइट लेसन टू इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, I hope that lesson 1 you have completed in your copy. So students, please fill the all exercise of lesson 2 in your book. Okay? Thank you.